बच के आ गया, पक्का बदला लेगा। अरे जब गाय भी करना था तो फिर जिंदा गाय छोड़ दी उसको। अरे ओ चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको हमने नहीं तुमने गायब किया है, समझे? और वो पप्पू जो किडनैपिंग में शामिल था, आपके लिए काम करता था ना? और बड़के जीजा जी आपके लिए भी तो वही काम करता था, कहीं आपने ही तो पति को बेवफाई की सजा तुमने दी और पप्पू पप्पू हमसे कह रही हो? दिल पे लगी है बड़के जी। अरे बस एक दूसरे को डराना बंद करो और सोचो आगे क्या करना है। जब कोई लापता सदस्य अपने घर परिवार में वापस लौटता है तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन सिद्धार्थ का परिवार खुश होने की बजाय सिद्धार्थ का सामना करने से भी डर रहा था। लेकिन उनके डर की वजह क्या थी? क्या वो सभी या फिर उनमें से कोई एक सिद्धार्थ की किडनैपिंग में भागीदार था? लेकिन सिद्धार्थ के बयान ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा देने की बजाय इस केस को और पेचीदा बना दिया। हम और आयुष आइसक्रीम खरीद कर बाइक से जा रहे थे, तभी किसी ने पीछे से वार किया हम पर, हम बेहोश हो गए और अभी अस्पताल में होश में आए। आयुष वो कहाँ है? सर हमने आपसे कहा बेहोश हो गए थे, हमें कैसे पता होगा कि आयुष कहाँ? जहाँ एक तरफ पुलिस आयुष के अब तक लापता होने की वजह तलाश रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पुलिस की कोई भी मदद लेने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ और उससे जुड़ा हर एक रिश्ता इस केस को और उलझाता जा रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आयुष अब कहां था? लगता है कुछ छुपा रहा है, कहीं इसीलिए खामोश तो नहीं कि जानता है कि आयुष की जान खतरे में है? सर मुझे लग रहा है सिद्धार्थ जानता है कि उसका गुनहगार उसके रिश्तेदारों में से ही कोई है। हो सकता है पांडे बाकी परिवार वालों की तरह ये भी अपने घर वालों से खुद ही निपटना चाहता है, इसलिए एक बार भी हमसे आयुष को ढूंढने के लिए नहीं कहा। अरे यार आइस तो अपने आप रख दिया करो, हर चीज के लिए बोल। आयुष कहाँ है? मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। चुप चुप टी शर्ट पहने, चुप चाप पहने। मुझे पापा के पास जाना। लो खाना खा लो, लो खोलो मुंह। चुप क्यों हो तुम? तो हमने पूछा आयुष कहाँ है, अगर हमारे आयुष को कुछ भी हुआ ना तो हम शांत हो जाओ, हमारे आयुष को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसको। देखो मंजू, हम अपनी पुरानी बातें भुलाकर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? सर पप्पू के होम टाउन बिहार से लेकर यूपी तक उसके जितने भी अड्डे पता चले वहां से भी पप्पू तक पहुंचने का कोई लीड नहीं मिला। सर भीकापुर मार्केट के एक मोबाइल रिचार्ज शॉप पे पप्पू देखा गया, ये है उसकी सीसीटीवी फुटेज। पप्पू ही है सर, ये वो नंबर है जिसे पप्पू ने रिचार्ज करवाया। पता करो किस नाम और एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर जो बीत गया उसे हम भी कोसना नहीं चाहते, लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बन के नहीं रह पाएंगे। हम भी तुम्हारी जगह करुणा को दे चुके हैं। मतलब तुम अपनी गलती नहीं सुधार रहे? बात वही कह रहे हैं जो पहले कहते थे, बस लहजा बदला है अपना, लड़ाई झगड़े से नहीं शांति से एक दूसरे को इस रिश्ते के बोझ से अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन आयुष हमारे साथ रहेगा। चलो चुपचाप सो जाओ, ठीक है? अरे सुनती हो? हाँ। अरे थोड़ा सब्जी देना। क्या तुम बनाती हो यार, न चटनी बनाती हो न चोखा, खाज सूखे सूखे खिलाती हो? चटनी बना दिया करो।
सर, जो नंबर पप्पू ने रिचार्ज करवाया था वो करुणा तिवारी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये देखिए सर। करुणा तिवारी? हाँ सर, और ये नंबर सिद्धार्थ के किडनैपिंग से दो दिन पहले ईदगाह चौकी के एक मोबाइल शॉप से खरीदा गया है, और इस नंबर के साथ करुणा ने दो सिम कार्ड और खरीदे थे। और इस फॉर्म पे करुणा ने अपने गांव वाले घर का एड्रेस नहीं बल्कि उस कॉलोनी का घर का एड्रेस दिया जहां पर लोकेश के नाम पर कई घर हैं, और उसमें से एक घर एक साल पहले करुणा के नाम पर रजिस्टर हुआ है। ये घर हमने करुणा के लिए खरीदा था और करुणा ने वो सिम कार्ड हमारे लिए खरीदे थे। लेकिन किडनैपिंग के बाद गुंडों ने हमारे फोन से वो सिम कार्ड निकाल लिए थे। आपको तीन तीन सिम कार्ड की क्या जरूरत थी? हमारे कर्जदार कभी कभी हमारा नंबर देख के फोन नहीं उठाते थे, इसलिए हम नंबर बदल बदल के उन्हें फोन करते थे, और हमारे पुराने नंबर पर करुणा का नंबर देख कर कभी कभी मंजू को भी परेशानी होती थी। तो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं आप? धोखा नहीं दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं उसे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुष को बचाने के लिए सिद्धार्थ करुणा से ब्लैकमेल हो रहा है और जैसा करुणा कह रही है वो कर रहा है? करुणा की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता तो चले अगर ऐसा है तो ये किसके कहने पर कर रही है, किस मकसद से कर रही है। ओके सर। अपनी बीवी के रहते ही घर लेके जा रहे हो, सोच लो कहीं कुछ वो भी चली जाएगी, हमें डिवोर्स देने के लिए तैयार है वो। पर डिवोर्स हुआ तो नहीं है ना अब तक, करना थोड़ा समय तो तुम्हें भी देना होगा। मैडम का सामान हमारे रूम में रखवा दो। सर करुणा के पति सुबोध की हत्या 4 साल पहले हुई थी और इसकी लाश इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पे मिली थी और सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज हुआ था, लेकिन बिना किसी नतीजे के ये केस बंद हो गया। सर सुबोध नवीन की ही पार्टी में था और पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह राज सामने आया है कि सुबोध की हत्या के पीछे नवीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि नवीन की करुणा पे बुरी नजर थी और करुणा को अपनी रखेल बनाने के लिए उसने करुणा के पति सुबोध को मरवा दिया। तो फिर हो सकता है पांडे कि नवीन ने सिद्धार्थ के खिलाफ करुणा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया हो ताकि सिद्धार्थ नवीन के खिलाफ इलेक्शन ना लड़े, और मुझे लगता है आयुष को भी तभी तक किडनैप रखने का प्लान होगा जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए। सर एक आदमी है जो इस नवीन की पोल पट्टी खोल सकता है। कौन? उसका पीए बद्री प्रसाद, जो नवीन के हर राज को जानता है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है सर, अगर हम उस कमजोरी का इस्तेमाल करें तो उससे हर राज उगलवा सकते हैं। कैसी कमजोरी? तुम्हारा भाई बहन ने जीना हराम कर दिया हमारा। माफ कर दीजिए। माफ कैसे कर दिया? तू अपने भैया की कमजोरी है ना, तुझे नहीं मारेंगे तो साला काबू में कैसे आएगा? अब जीवन भर खुद को कोसती रहना, सिद्धार्थ की बहन है। सॉरी बिंदिया, हमारी वजह से तुम खुश नहीं रह पाए।
तुम जफर से प्यार करती थी और हमने तुम्हारी शादी जबरदस्ती लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। तू चाहता ना हम तेरे खिलाफ चुनाव में लड़े? चल नहीं लड़ेंगे। तुझे वो हमारा हाईवे वाला प्लॉट भी चाहिए था ना, वो भी दिया, लेकिन बदले में तुझे हमारी बहन को तलाक देना होगा। हमारी बहन जफर से आज भी प्यार करती है और जफर उसे अब भी अपनाने के लिए तैयार है। तुझे जो कुछ चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन हमारी बहन को आजाद कर दे। सच सच बोल, वरना रेप के साथ साथ अपहरण में शामिल होने का भी आरोप लगेगा तुझ पर। हम सच कह रहे सर, हम सच कह रहे, हम सच कह रहे कि भैया जी ने सिद्धार्थ उनके लड़के का किडनैप करा है। सीक्रेट के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम सर। हाँ वो पप्पू उनको कई महीना पहले काफी मिलता था, लेकिन पप्पू अब तो लोकेश के लिए काम करने लगा था सर। अपने भैया जी को बचाने के लिए लोकेश का नाम ले रहा है? हम किसी को नहीं बचा रहे, हम बस आपसे खुद को बचाना चाहते हैं बस। लेकिन करुणा के पति की हत्या तो तेरे भैया जी ने करवाई थी ना? हाँ सर, भैया जी और करुणा के बीच रिश्ता था और करुणा के पति ने उन दोनों का अश्लील वीडियो बना करके भैया जी को ब्लैकमेल करना चाहा था। अपने भैया जी को बोलना कि अगर हमें जल विभाग का कॉन्ट्रैक्ट ना दिलवाया तो ऐसा बैंड बजाएंगे कि पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। चलते हैं। लेकिन भैया जी उसकी धमकी से डरे नहीं। भैया जी ने करुणा के पति की हत्या का षड्यंत्र रच दिए और करुणा को अपनी रखेल बना लिया। तुमने औरत को कभी पांव की जूतियां रखेल से ज्यादा समझाई नहीं है, लेकिन हम अपनी बहन को तेरे अपमान और शोषण का शिकार नहीं होने देंगे, समझा तू? हमने भी कोई चूड़िया नहीं पहनी है सलीसा। हम जितनी चाहें उतनी रखेल रखे, पर तेरी बहन को अपनी पांव की जूती बनाकर ही रखेंगे। तो जब तूने अपनी बहन की शादी इस सड़क छाप से नहीं करवाई तो हम अपनी बीवी को इसका बीवी बनते कैसे देखें? भला हमारा भी कोई इज्जत है साले साहब? तेरी इज्जत बची रहे इसलिए शांति से समझा रहा हूं तुझे। ऐसा नहीं मानेगा तू। नवीन को करुणा के पति की हत्या के केस में अरेस्ट कर सकते हैं, रिमांड पे लेंगे तो सिद्धार्थ की किडनैपिंग का राज अपने आप उगल देगा। सर सर आप हटिए सामने से। पांडे ऊपर चेक करो। सर बताइए तो सही क्या हुआ? सर सर क्या हुआ? नवीन कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं सर, थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे। ऊपर नहीं है सर? अंदर भी कोई नहीं है सर। पांडे नवीन का नंबर ट्रेस करो, हो सकता है उसे बद्री प्रसाद के अरेस्ट होने की खबर लग गई हो। वो शहर से भाग भी सकता है, हर जगह अलर्ट भेजो, उसे देखते ही अरेस्ट करवाओ। सर क्या हुआ? लगता है सो गया। अच्छा ठीक है, खाने यहाँ रख दो, वैसे भी ज्यादा देर थोड़ी ना लगेगा, एक डेढ़ घंटे में लौट आएंगे। चलो सर, नवीन के फोन की लास्ट लोकेशन बनारस हाईवे की थी और अभी आधे घंटे पहले उसका फोन वहां पर बंद हुआ। हेलो और
सर, नवीन के मर्डर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ करुणा से ब्लैकमेल नहीं हो रहा, बल्कि उसने करुणा को अपनी साइड किया और नवीन से बदला लिया। इसका मतलब ये होगा कि नवीन ने सिद्धार्थ को किडनैप नहीं करवाया था। बद्री प्रसाद ने भी इस बात से इनकार किया था। तो फिर सर, ये नवीन के मर्डर के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पहले हमें ये पता लगाना है पांडे कि करुणा और सिद्धार्थ के बीच में क्या चल रहा है। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मरने वाले के दिए गए कुछ जख्म याद आ गए। कुछ तो बोलिए, ऐसा कौन हो सकता है जो नवीन का मर्डर कर दे? हम बोलने से डरते हैं, अगर सिद्धार्थ को पता चल गया तो वो हम सबको मार देगा। तो आप कहना चाहते हैं कि मर्डर सिद्धार्थ ने किया? और कौन करेगा, नवीन के बाद सिद्धार्थ भैया को ही फायदा होगा। लोकेश जी, पप्पू कहाँ है जो आपके लिए काम किया करता था? सर, हमारी उससे पहले कभी कभी बात होती थी, लेकिन वो हमारा गुलाम नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने ये किडनैपिंग नहीं करवाई तो आप में से किसी न किसी ने तो करवाई है, या फिर हो सकता है कि आप सब ने मिलकर ये किडनैपिंग करवाई है और इसलिए मुंह खोलने से डर रहे हैं कि सिद्धार्थ एक एक करके सबसे बदला लेगा। देखिए, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, जो सच है वो बोल दीजिए। रही बात सिद्धार्थ की, उसे हम देख लेंगे। सर, हमने कुछ नहीं किया है। अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो वो हमको नहीं पता। सर, हमने भी कुछ नहीं किया है। हमको तो ये भी नहीं लगता कि उसका कभी किडनैप भी हुआ था। जब से आया अजीब तरह का बिहेव कर रहा है। पहले आयुष को जरा सी तकलीफ भी होती थी तो जान निकलती थी उसकी, और अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसे। सिद्धार्थ के बड़े जीजा के बाद अब सिद्धार्थ की बीवी ने भी इस बात का शक जताया कि शायद सिद्धार्थ ने खुद इस किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा था। पर उसकी बातों में क्या कोई सच्चाई थी, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की उसकी कोई चाल? पुलिस कोई भी ठोस सबूत जुटा पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई थी, और अब तक ये भी नहीं पता चल पाया था कि सिद्धार्थ का बेटा कहाँ था। कोई खोलो, कोई खोलो, खोलो कोई, मुझे बाहर जाना है। अचानक क्यों बुलाया मुझे? यार है ना, अब खतरे से खाली नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत भीड़ रहता है वहां पे, तुम ही कल से जाना, समझ गई ना? हम नहीं जाएंगे। सुनो, बड़ी जोर की प्यास लगे। हाँ। अरे आप खुद ही ले लीजिए, मैं देखूं उसने खाना खाया कि नहीं। अच्छा ठीक है, देखो उसको। देखिए कहाँ गया? अरे तो भाग गया। हाँ? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल चल, खोज उसको। नहीं सर, जहाँ नवीन की लाश मिली थी वहां सिद्धार्थ और करुणा का फोन एक्टिव नहीं था, लेकिन नवीन के पड़ोसियों के बयान से एक बात सामने आई है। हत्या वाले दिन 1 बजे सिद्धार्थ और जफर को नवीन के घर जाते हुए देखा गया है। हाँ, हम नवीन के घर गए थे, लेकिन दुश्मन निकालने के लिए नहीं, अपनी भूल सुधारने के लिए गए थे। कैसी भूल? हमने विंध्या की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नवीन से करा दी थी, लेकिन नवीन ने कभी भी उसे बीवी का सम्मान नहीं दिया। तो हमने उससे कहा कि अगर वो हमारी बहन को तलाक दे दे तो हम विंध्या की शादी
सफर से करा देंगे। हाँ सर, हम विंध्या से प्यार करते हैं, लेकिन अगर नवीन को मारना होता तो हम बहुत पहले ही मार देते। तूने नहीं मारा तो सिद्धार्थ मारा होगा, और तू सिद्धार्थ को इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो अपनी बहन विंध्या की शादी तेरे से करवा रहा है, और तेरी पुश्तें सिद्धार्थ और उसके खानदान के कर्जदार है। हाँ सर, ये सच है, लेकिन सिद्धार्थ भैया भी उसको नहीं मारे। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, ना ही हमने सिद्धार्थ का किडनैप करने में किसी की मदद की, और ना ही सिद्धार्थ पे नवीन को मारने का कोई दबाव बनाया है। पर नवीन से नफरत तो करती होगी आप, उसने पहले आपके पति को मारा, फिर आपको आपकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रखा। ये बात सच है कि नवीन ने हमारी जिंदगी नरक बना दी, पर हमें उसके पास भेजने वाला हमारा पति ही था। नवीन तुझ पर बुरी नजर डालता है तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देख अगर तू हमारी बात मान ले तो हम दोनों माला मान हो सकते हैं। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। देख हम मना करते रहे, उसने हमें मजबूर कर दिया। हम उसे छोड़कर अपने गरीब माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकते थे, हम पूरी तरह से हार चुके थे। फिर हमारे पति की चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ने लगी। नवीन ने उसको तो मार दिया, पर हमारा शोषण करना बंद नहीं किया। फिर सिद्धार्थ हमारी जिंदगी में आया, उसने ना सिर्फ हमें नवीन के जुल्मों से बचाया बल्कि हमारे जीने की वजह भी बन गया। प्लीज हमारे रिश्ते को शक की नजर से मत देखिए, प्लीज। करुणा के इस बयान में तो सच्चाई थी कि वो अपने पति और नवीन के शोषण का शिकार हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ से अपने रिश्ते और सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के बेटे की किडनैपिंग से जुड़े सवालों में वो अभी पुलिस से कुछ छुपा रही थी। और इसी दौरान इस किडनैपिंग के प्राइम सस्पेक्ट पप्पू और उसके दोनों साथियों की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। साहब हमने फोन किया था, साहब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत बदबू मार रहा था, हम सोचा कोई जानवर मर गया होगा, और भूसा हटा के देखा तो इन लोगों की लाश पड़ी थी साहब। चलिए तो पप्पू है, वो लगता है इसके साथ ही है। ला दे। हम आपके मुंह की बात प्रसारित करना चाहते हैं, इसलिए जो जो बोल रहे हैं ना उसे तोते की तरह रट के बोल। हाँ तो कहाँ थे हम, पहले किसको गोली मारो, पापा को या बेटे को, पापा या बेटा, जल्दी बोलो। हमने आपको बताया ना सर, हम बेहोश थे, हमें नहीं पता कि किडनैपर्स हमें कहाँ उठा के ले गए, और जब हम होश में आए तब हम हॉस्पिटल में थे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि करुणा का किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं, जबकि किडनैपर्स की बॉडीज हमें करुणा के घर से मिली। सर जब सिद्धार्थ मिला था हम शहर आ गए थे, किसी ने हमारे गाँव वाले घर का इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए किया है। सिद्धार्थ की किडनैपिंग के बाद आप लोग मेरे घर आकर तलाशी लेकर तो गए थे ना। देखिए करुणा को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ये सब षड्यंत्र नहीं रच रही। षड्यंत्र तो हो रहा है, तुम सिद्धार्थ का इस्तेमाल कर रही हो, सिद्धार्थ तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि उसका बेटा तुम्हारे कब्जे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम अपने बेटे को खुद ढूंढ लेंगे, और हाँ हमें कभी भी कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सर हमें लगता है सबके पीछे सिद्धार्थ की बीवी है। सिद्धार्थ की बीवी क्या, तुम उसके भाई बहन जीजा सबका नाम ले सकती हो, लेकिन अगर उनसे तुम्हारी सांठगांठ का पता चला तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। सर हम किसी से कोई सांठगांठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मंजू ने किसी से कोई सांठगांठ जरूर कर रखी है। किसके साथ? कुछ दिन पहले हम मार्केट गए थे, वहां से हमने मंजू को कहीं हड़बड़ाते हुए जाते देखा, हम उसके पीछे पीछे गए तो हमने देखा। क्या हुआ, क्यों अचानक मुझे क्यों बुलाया? यार अनाप खतरे से खाली नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आयुष तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं चाहिए, और यू आर हिज मदर। We'll be right back.
मंजू का फोन बंद है और वो अपने घर पे भी नहीं है। क्या कहीं मंजू उस आदमी के साथ भाग तो नहीं गई जिसके साथ वो देखी गई? पांडे, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह इन दोनों का फोटो भिजवाओ और उस आदमी का फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। पता करो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे डरिए मत, हम जानते हैं आप हमें देखकर खुश नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको खुश करना चाहते हैं। हमने आपको दिया ठन्नी और वसूला रुपया। अरे हमको तो बहन और जीजा को दिया हुआ वापस भी नहीं मांगना चाहिए था। उधारी भी दी तो इस कीमत पर कहीं ज्यादा ब्याज वसूलेंगे, लेकिन आज हम अपनी गलती को सुधारेंगे, वो भी ब्याज समेत। यहाँ आपके प्लॉट और दुकान के पेपर जो हमने आपसे गिरवी रखवाए थे, और ये 20 लाख रुपए जो हम इस घर से उठा के ले गए थे। हाथ मत लगाना। नवीन जीजा जी के साथ रिश्ते सुधारना चाहे तो नवीन जीजा जी मर गए। अपनी बीवी से बोला कि गलतियां सुधारेगा, बीवी गायब, पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेगा। सुनिधि, हम बदल चुके हैं, तुम अभी हमें समझ नहीं रही। हम तुम्हें अच्छे से समझ चुके हैं। सुनिधि, क्या कर रही है? सर, ये हमारा कॉलेज का दोस्त है, कौशिक। दोस्त दोस्त मिलके पूरा गुलशन उजाड़ सकते हैं। अब तुम दोनों ने मिलके किस किस की जिंदगी उजाड़ी है वो बताओ। किसी की जिंदगी नहीं उजाड़ी। सर, हम कह रहे हैं ना, मंजू और कौशिक भाग नहीं रहे थे, बल्कि मंजू उसके साथ जाकर उससे शादी करने वाली थी। हमने आपसे कहा था ना, हम मंजू को तलाक दे रहे हैं। दरअसल करुणा कौशिक को जानती नहीं है, इसलिए मंजू को किसी और दूसरे मर्द के साथ देखकर उसको अटपटा लगा होगा और उसने फोटो खींच ली होगी। हम कौशिक को अच्छी तरह से जानते हैं, हम मंजू और कौशिक एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, इसलिए आप प्लीज उन लोगों को छोड़ दीजिए। सॉरी दोस्त, हम जानते हैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम मंजू से प्यार करते थे और मंजू तुमसे, लेकिन हम तुम दोनों के बीच में आ गए। तेरी माफी से वो 7 साल वापस आ जाएंगे जो तेरी वजह से हमने जेल में काटे। दोस्त बोलता था ना हमें, और हमें डर से जुड़े कैसे फंसा दिया। मंजू ने हमें गलत समझकर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम उसे भी खुश नहीं रख पाए। जिसकी फितरत में ही धोखा देना लिखा, वो भला किसी को क्या खुशी देगा। जानते हो, जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला था ना, अपना कमरा अलग कर लिया था, खुद को शराब का आदि बना लिया था, लेकिन इसके साथ कभी भागे नहीं थे। और तुम तो करुणा के साथ रंगरलिया मनाते हैं, और तो और हमारा बच्चा तक हमसे छीन लिया तुमने। देखो मंजू, हम जानते हैं हमने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन हमारी बात सफाई देने की जरूरत नहीं। ये एक बोझ है, ये लो। चल। क्या सिद्धार्थ को वाकई अपने गलती का एहसास हो रहा था, या वो दिखावा कर रहा था? क्या वो कोई षड्यंत्र रच रहा था, या फिर खुद किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा था? साहब, मैंने ही फोन किया था, ये बच्चा रोते हुए यहाँ पे आया था। बेटा क्या हुआ था आपको? साहब, इस केस में सिद्धार्थ की भूमिका का एक बड़ा खुलासा सिद्धार्थ के बेटे के मिलने के बाद सामने आया। अब सच सच बताओ, वरना तुम दोनों से सच कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, हम आयुष को सिद्धार्थ भैया के कहने पे अपने पास रख लिए थे। सिद्धार्थ के कहने पे? हाँ सर, सिद्धार्थ भैया के कहने पे। सिद्धार्थ भैया बोले कि आयुष का ख्याल रखना, उसको घर से नहीं निकलने देना, लेकिन आयुष खुद ही घर से भाग गया सर। आयुष, आपके पापा खुद आपको उस अंकल के पास लेके गए थे? मुझे मम्मी पापा के पास जाना। सर,
सिद्धार्थ अपने घर पे भी नहीं मिला। हमने उसको फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसका नंबर ट्रेस करो। सर तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ चला गया था? पापा हमको आइसक्रीम खिलाने के बाद करुणा आंटी के घर लेके गए। क्या कर रहे हो? क्या बैठे गाने लगाते हैं? पापा। हाँ बेटा। पापा। पापा। बेटा पापा यही है। पापा। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा। बोल। सोमपाल हमें हमारा पैसा वापस चाहिए कल सुबह तक। बोल। सोमपाल हमें हमारा पैसा चाहिए कल सुबह तक। मंजू हमारे लिए खाना मत बनाना, हम घर नहीं आएंगे। मंजू हमारे लिए खाना मत बनाना, हम घर नहीं आएंगे। बहुत बड़े ये बेटे को, पापा को, बेटे को। इनके साथ जो करना है कीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, हाथ खोलो सर। आखिर तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। आंखें बंद करो, मिर्ची फेंकने वाली हो तुम पर। आयुष को देखो। उसके बाद पापा आपको उन अंकल और आंटी के घर लेके गए। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आयुष यहाँ पर है। हाँ आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बेटा हम जल्दी वापस आएंगे। अपना ख्याल रखना। हमारा अंदाजा सही निकला, सिद्धार्थ खुद अपना पता लेना चाहता था। सिर्फ पप्पू और उसके साथियों का ही नहीं, नवीन का मर्डर भी उसी ने किया है। सर सिद्धार्थ का फोन ट्रेस हो गया है, ये है उसका एग्जैक्ट लोकेशन। सिद्धार्थ और करुणा की हत्या ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन इन हत्याओं के बाद करुणा के माता पिता का जो बयान सामने आया उसने इन अपराधों के चौंका देने वाले राज खोल दिए। सर सिद्धार्थ जी की किडनैपिंग से पहले हमारे घर दो गुंडे आए थे। अगला उससे कैसे चलना चल। अबे अंदर चल। अरे 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 उन गुंडों ने करुणा को धमकाया, क्या कर वो उन लोगों की बात नहीं मानी तो हम लोगों को मार देंगे। उनकी धमकी से डरकर करुणा ने सिद्धार्थ जी को अपने घर पर बुलाया और उन गुंडों ने सिद्धार्थ जी और उनके बेटे को किडनैप कर लिया। उसके कुछ दिन बाद करुणा का फोन आया। करुणा बोली हम तुरंत ये घर छोड़ दें और कहीं छुप जाए। उसने हम दोनों को तो बचा लिया लेकिन वो दो गुंडे इनमें से ही थे।
नहीं। आप उनका स्केच बनवा सकते हैं सर। ये सुलेमान और ये रंजीत, ये पहले भी जेल जा चुके हैं, और जिस वक्त ये जेल में थे उस वक्त सिद्धार्थ की बीवी का दोस्त कौशिक भी उसी जेल में था। सर सर हम मानते हैं कि हमारे साथ रंजीत और सुलेमान जेल में थे, लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने कुछ नहीं किया सर। जब तूने ही नहीं बल्कि मंजू भी इस प्लान में तेरे साथ थी। हमने कोई प्लानिंग नहीं की सर, हम भला किसी को क्यों मरवाएंगे? क्योंकि आप सिद्धार्थ से इस बात का बदला लेना चाहती थी कि उसने आपके प्रेमी को जेल भिजवाया था। लेकिन सर तो तब भी बेकसूर, मैं तो सिद्धार्थ ने फंसा दिया। तो तेरा सिद्धार्थ को मारने का मोटिव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। कोई मोटिव नहीं है सर, प्लीज समझिए। और अगर हमें बदला लेना होता ना तो सिर्फ सिद्धार्थ को मारते। करुणा नवीन को क्यों मारेंगे? सिद्धार्थ के साथ हमारा बेटा भी किडनैप हुआ था, भला अपने बच्चे की जान को जोखिम में क्यों डालेंगे हम? कितनी बार मारे आपसे, कुछ नहीं किया हमने। सर ने सिद्धार्थ के किसी भी दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया था, हम तो सिर्फ मंजू को अपने साथ ले जाने आए थे। देख तो फिर कहानी बना रहा, सच सच बोल, असलियत क्या है? सर मैं सच बोल रहा हूँ। और जब तक निकले तोड़ता रहे सर। पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद भी कौशिक और मंजू ने अपने आप को बेकसूर बताया, और उनको अपराधी साबित करने के लिए पुलिस कोई अहम सबूत नहीं जुटा पाई। पुलिस अब इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट के इन अपराधों से जुड़े होने का कनेक्शन तलाश रही थी, और इसी कड़ी में एक नई सूचना पुलिस को मिली। सर खबरों से पता चला है कि रंजीत और सुलेमान जेल से छूटने के बाद सिद्धार्थ के अपंग भाई अशोक के लिए धमकी देने और वसूली जैसा काम करते थे, और उसके साथ उन दोनों को कई बार देखा भी गया। पांडे चल। सुसाइड नहीं, मर्डर लगता है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत और सुलेमान से कोई दुश्मनी पाल ली थी सिद्धार्थ के खानदान ने, इसलिए एक के बाद एक सबको मार रहे हैं? हो सकता है, कोई तो है जो इस परिवार से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर सिद्धार्थ के घर वालों में से कोई है। सर अगर घर में से कोई है तो वो मंजू, कौशिक, लोकेश, सुनिधि या बिंदिया में से कोई होगा, लेकिन सर इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। पांडे सिद्धार्थ के बेटे ने बताया था कि किडनैपर्स ने सिद्धार्थ से कुछ ब्लैंक पेपर्स में साइन करवाए थे। पता करो हाल फिलहाल में सिद्धार्थ की कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ट्रांसफर हुई है। सर सर रजिस्ट्रार ऑफिसर सिद्धार्थ के प्रॉपर्टीज के ये पेपर मिले हैं। और आखिरकार अपराधी को बेनकाब करने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस को मिला। जफर बिलाल गोरखपुरी, जिस खानदान ने तेरी पुश्तें पाली तूने उन्हीं के साथ दगा किया? हमने सिद्धार्थ को किडनैप करके नवीन को फंसाने का प्लान बनाया, लेकिन सिद्धार्थ आयुष और करुणा को पप्पू मार नहीं सका। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ मेरे पास आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उसे सही में पछतावा था। वो हमारी और बिंदिया की शादी कराने को तैयार था, लेकिन नवीन को हम पे शक हो गया था कि हम ही ने सिद्धार्थ की किडनैपिंग करवाई है। रहने दो सफर, अगर ये नहीं मानेगा तो कानूनी तौर तरीका अपनाएंगे, कि लड़ाई खून खराबा नहीं। समझ में आया तुम सफर से क्यों मिलती थी? तुम दोनों ने सिद्धार्थ को किडनैप करने का प्लान बनाया था ना? हाँ जफर, तू जल्दी घर पे आ जा, मैंने इसे मार दिया। मर गया?
तुम ठीक हो ना? हाँ। एक काम करो, हाथ लगाओ, इसको जंगल में फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा। चलो। मैं और जफर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे इतना मारा कि वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहकर आया और मेरी शादी नवीन के साथ करा दी, जो कि मैं नहीं चाहती थी। और जब नवीन और सिद्धार्थ की दुश्मनी हुई, तब नवीन मुझे सजा देने लगा। बिंदिया अपना जख्म हमको दिखाती थी और हम भी अपना जख्म नहीं भूल पाए थे। और अशोक? अशोक को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में पता चल गया था। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को कुछ बताता, हमने उसे मार दिया। हमें पता था कि बहुत जल्द सिद्धार्थ को भी पता चल जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, इसलिए उसका मरना जरूरी था। अरे जफर, आप? भैया। भैया? हाँ जफर, आना। आप बैठो, उनके साथ में चाय बना के लाती। ठीक है ना, कर देंगे, क्या किया हुआ है ना वो। और बता क्या? तुमने हम पर तो क्या, अपने घर वालों पर भी कभी भरोसा नहीं किया। यही वजह है तुमने अपने हर रिश्ते को बर्बाद कर दिया। तुम सही कह रही हो, हमने अपने हर रिश्ते को दुख पहुंचाया है। लेकिन करुणा, अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। क्या वो लोग हमें माफ कर सकते हैं? नफरत भले ही कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्यार से सब सुधारा जा सकता है। करीबी रिश्ते अगर नफरत में बदल जाएं तो उनके बचे रहने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अगर बिखर जाएं तो उन्हें समेट पाना आसान नहीं होता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.